जय मसीह की साथियों, परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप सभी वीडियो देखने वालों पर होता रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है यहोवा परमेश्वर के नाम और उनका अर्थ। साथियों, वैसे तो परमेश्वर का एक ही नाम है, यहोवा या यहवे, जो नाम परमेश्वर स्वयं बताते हैं मूसा को। निर्गमन की किताब उसके अध्याय 3:15 वचन में जहां लिखा है कि फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इसराइलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा, यहोवा या यहवे। यही वे नाम है जो खुद परमेश्वर ने बताया। इसका प्रकाशन निर्गमन अध्याय 3:14 में सबसे पहले मूसा को मिला, जहां परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं। यहोवा नाम के अलग अलग अर्थ बुद्धिजीवियों द्वारा बताए गए हैं। मैं जो हूं सो हूं का अर्थ क्या है? मतलब ये कि मैं कुछ भी बन सकता हूं। उदाहरण के लिए, जब हमें सच्चे साथी की जरूरत महसूस होती है तो परमेश्वर हमारा साथी बन जाता है। जब हमें दोस्त की जरूरत होती है तो वे हमारा दोस्त बन जाता है। जब हमें सहायता चाहिए तो वे सहायक बन जाता है। कभी पिता, कभी माता, कभी परमेश्वर, कभी गुरु, कभी प्रोटेक्टर। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर अलग अलग नहीं है। परमेश्वर एक ही है लेकिन उसके स्वभाव अलग अलग हैं। अर्थात परमेश्वर की हमारे लिए ये तत्कालिता, ये प्रेम एक उपस्थिति को दर्शाती है। अर्थात कि यहोवा उपस्थित है और पहुंच के योग्य है। उन लोगों के निकट जो उसे पुकारते हैं वे उनके पास है, या हर जगह पहुंचने की पहुंच रखने वाला परमेश्वर, या हर जगह हर समय रहने वाला परमेश्वर यहवे या यहोवा। दूसरा नाम है एलोहिम, एलोहिम परमेश्वर या एल एलोही। ये एलोहिम शब्द एक एल एलोही शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परमेश्वर सामर्थी और शक्तिशाली। एल शब्द सामर्थ के लिए प्रकट होता है। जहां जहां भी एल शब्द आएगा वहां सामर्थ की बात होगी। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 31:29 में लिखा है कि तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। ये एल शब्द अन्य गुणों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे निष्ठा, ईर्ष्या, तरस, परंतु इनमें मूल विचार सामर्थ का ही रहता है। एलोहिम, एलोही का बहुवचनी रूप है जो त्रिएकत्व के धर्म सिद्धांत को भी अपने अंदर समाये हुए है। त्रिएकत्व, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सिद्धांत को। बाइबल के प्रथम वाक्य से ही परमेश्वर की सामर्थ का अत्युत्तम स्वभाव स्पष्ट रूप से पाया जाता है, क्योंकि एलोहिम परमेश्वर संसार को अपने हुक्म के द्वारा अस्तित्व में लाता है। जब वे कहता है सूरज बन जा, तो सूरज को बनना पड़ता है। और इस दुनिया में वे परमेश्वर अपनी कारीगरी की मिसाल देते हुए इस सृष्टि की रचना करता है, क्योंकि वही है एलोहिम सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, एकमात्र परमेश्वर, अनंत काल का पिता, सनातन चट्टान, सनातन परमेश्वर।
परमेश्वर के विशेष नाम प्रभु का समायोजन, जो इस बात का संकेत देता है कि प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर एलोहिम, एलोहिम नाम के ये अर्थ है। उसके बाद है यहोवा यिदे, अर्थात प्रबंध करने वाला परमेश्वर, इंतजाम करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए मुहैया करवाने वाला परमेश्वर, उत्पत्ति 22:14। उसके बाद है यहोवा राफा, वे परमेश्वर जो हमें चंगा करता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा। अगला नाम है यहोवा शालोम, यहोवा हमारी शांति, या शांति का परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम। अगला नाम है यहोवा रोही, अर्थात यहोवा हमारा चरवाहा, हमारे झुंड का चरवाहा, यहोवा रोही। यहोवा शम्मा, अर्थात यहोवा यहां पर है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। ये नाम यरूशलेम और वहां पर स्थित मंदिर को दिया गया था, अर्थात परमेश्वर उपस्थित है, यही है, हमारे साथ है, हमारे पास है, यहोवा शम्मा। अगला नाम है एल रोई, अर्थात देखने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जिसकी आंख सब देखती है, ऐसा कोई अंधकार नहीं यहां वे देख ना सके, एल रोही, अर्थात हर समय हर जगह देखने वाला परमेश्वर। अगला नाम है एल गिभोर, अर्थात पराक्रमी परमेश्वर। जैसा कि हमने बताया, जहां भी एल शब्द आएगा वहां सामर्थ की बात होगी, वहां ताकत की बात होगी, तो एल गिबोर मतलब पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रम जिसकी निशानी है, एल गिबोर। और आखिरी नाम है सेनाओं का यहोवा, ये नाम परमेश्वर के वैभव, परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार को व्यक्त करता है। ये नाम ये दिखाता है कि वे जो कुछ निर्धारित करता है वे उसे पूरा करने में सक्षम है, सेनाओं का यहोवा, वो जो ठान लेता है वे उसे पूरा भी कर सकता है, इसलिए ये नाम दिया गया है सेनाओं का यहोवा। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।